फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू रेसिपी एंड लाइफस्टाइल यूके। फ्रेंड्स, आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ जो मुझे बहुत पहले रिक्वेस्ट आ रखी थी, बट मैं पूरा नहीं कर पाई। मैंने अपने चैनल पे माय गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन का एक वीडियो डाला है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उसमें मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रखी थी और उसके बाद भी आई थी कि मैम अपना नथ कलेक्शन शेयर करिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं गढ़वाल से हूँ, गढ़वाल में बड़ी नथ हमारी गढ़वालियों की पहचान होती है, बट हर किसी को शादी में एक ही नथ बनती है बड़ी सी, तो सबके पास एक एक ही नथ होती है, ऐसे नहीं दो चार बना लिए हैं। और उन्होंने बोला था कि मैम हमको ऐसी नथ के बारे में बताइए जो बिना छेद किए हम नाक में डाल पाए, तो उन लोगों के लिए आज मैं वो वीडियो लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, नथ लेके आई हूँ मैं, तो ये रही वो नथ, ये देखिए। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऐसी नथ आती है, तो मैं आप लोगों के साथ ये वाली शेयर करती हूँ और पहन के भी दिखाती हूँ आपको कि ये पहनने के बाद कैसे लगेगी। तो देखिए, इस तरह की ये नथ है, आपको दिख रही होगी, तो इस तरह की ये नथ है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये गोल्ड के बीट्स से लगे हुए हैं। और अगर उन्होंने मेरे को बोला था कि पेच वाली नथ हम लोगों के साथ शेयर करिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको पेच वाली नथ चाहिए तो यहाँ पे जो गोल्ड के बीट्स लगे हुए हैं ये इनकी जगह में फ्लैट होगा और उस फ्लैट पे ही आप फ्लैट नेट होंगे और उस फ्लैट पे ही आपको एक नेट मिलेगा जिसको आप इस तरह से डाल के टाइट करोगे ऊपर से, तो जितना भी आपको मतलब आप सह पाओ जितना पेन, आप उतना सह के उसको स्क्रू को टाइट कर सकते हैं और इजीली उसको पहन सकते हैं, वो भी ऐसी होती है। और ये देखिए, ये भी विदाउट छेद के आप नाक में डाल सकते हैं, तो इसको मैं आप लोगों को वियर करके बताती हूँ कि इसको आपको कैसे पहनना है। सबसे पहले मैं ये निकाल लेती हूँ नाक से, निकाल दिया है मैंने। अब हम इसको ऐसे ही पहनेंगे, अगर आपके नाक में छेद नहीं भी है तब भी आप इसको पहन सकते हैं। इसको हमको करना क्या है, इस तरह से हम इसको चौड़ा कर लेंगे, ये देखिए, इसके मुंह को हम इस तरह से खोल लेंगे, इस तरह से हम इस तरह डालेंगे और इसको हल्के से हम प्रेस कर देंगे और इसको हम यहां लटका लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसको वेयर करेंगे, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस नथ के साथ डिफरेंट डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं, चाहे इसे लहंगे के साथ, पंजाबी सूट के साथ या साड़ी लहंगे के साथ, कैसे भी आप इसे वियर कर सकते हैं। अगर आपका नाक नहीं भी छिदा है तब भी आप अपनी वेडिंग में अपना ये नथ पहनने का शौक पूरा कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। इसी तरह की नथ मैंने भी अपनी शादी में पहनी थी जो विदाउट होल के भी हम पहन सकते हैं, तो पिक मैं ये लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए कितनी खूबसूरत लग रही थी, ये देखिए। और अगर आपकी नाक ऑलरेडी छिद रखी है तो आप इस तरह की जो नथ होती है बड़ी वाली, तो उसको पहनना भी बहुत ही ज्यादा इजी होता है। इस तरह की जो नथ होती है इसको इस तरह से हम ओपन करेंगे, तो ये वाला हिस्सा हम इस तरह से डालेंगे, ये आ गया। इसको हम इस तरह से पहनेंगे, निकालना भी इसको उतना ही इजी होता है, हल्का सा इसको ऐसे खोलिए। इजीली ये निकल भी जाता है, फोल्डिंग वाली होती है ना।
तो फ्रेंड्स तीसरी नथ है ये गढ़वाल में आपको बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि गढ़वालियों की पहचान है ये नथ। शादी में वो इस तरह की नथ बनाते ही बनाते हैं इस तरह की। इसको पहनना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको भी उसी तरह से ओपन करते हैं और उसी तरह से इसको पहनते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है इसको पहन के। और अगर आप चाहो तो इस नथ को भी पेच वाला बनवा सकते हो, अपने ज्वेलरी वाले को आप बोलिएगा कि इसको हमको पेच में बनाना है, तो वो पेच में भी बना लेंगे। और इसको पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।